नमस्कार, गुलाबी किचन में आपका स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ सीज़र सेलेट। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया। तो इसको मैं काटना है, इसे आपको जैसे मर्जी पतला काटिए, लंबा काटिए, बारीक बारीक काटिए। इस तरह से मैं पतला पतला लंबा लंबा काट रही हूँ। चिकन को मैंने इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा काट लिया। इसको इसी प्लेट में डालना है। इसमें हल्का सा सॉल्ट मिक्स करना है, आधी लेमन यूज करना है, हल्का सा चिली फ्लेक्स यूज करना है, हल्का सा ऑरिगेनो यूज करना है और ब्लैक पेपर थोड़ा सा इसको ग्रश करके डालना है। अब इसको हाथ से मैरिनेट करना है। कोई मसाला इतना ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए साइड में रख रही हूँ। मैं इसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो सफेद तेल यूज कर सकते हो। हमारी फ्राई पैन गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं मैरिनेट वाला चिकन डाल रही हूँ। करीबन 5 से 6 मिनट तक चिकन का पानी सूखना चाहिए, तेज आंच में इसको पकना चाहिए। इसको धीमे आंच बिल्कुल नहीं करना है। चिकन में अभी सिर्फ 2 मिनट हो गया टाइम, तो चिकन पानी छोड़ दिया। ज़्यादातर 5, 7, 8 मिनट, इससे ऊपर नहीं, चिकन को इससे ऊपर नहीं पकाना है, तो इससे पहले ही छोटे हो जाते हैं। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मैंने एक खीरा ले लिया, तो खीरा को छील लेना है। इस तरह से पतला पतला काटना है। मैंने 100 ग्राम लेटस ले लिया, तो इसको बारीक बारीक चॉपिंग करना है। इस तरह से इसको नीचे का वो फेंकना है, और मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया साफ करके। तो इस तरह इसको चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक, नीचे थोड़ा सा बारीक बारीक, ऊपर थोड़ा सा बड़ा बड़ा पत्ता रखना है। मैंने लेटस को काट लिया, तो इसको डालना है भगोने में। मैंने चेरी टमाटर लिया कुछ, तो इसको आधा आधा काटना है, बीच में से काट देंगे। मैंने चेरी टमाटर को आधा आधा काट लिया, तो ये भी सैलेड के अंदर जाएंगे। मैंने 3 अंडे पहले से ऑलरेडी उबाल के रखे थे, तो इसको भी पतले पतले स्लाइस लंबे लंबे काट लेंगे। सैलेड के अंदर एग भी डाल देंगे। इसमें हल्का सा सॉल्ट हम डालेंगे स्वाद अनुसार, और मेरे पास मेयोनीज है, मस्टर्ड, तो इसको हम डालेंगे। आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल देना, कम चाहिए तो कम डालना, मैं तो मीडियम डालूँगी। और इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर,
हल्का सा। मेरे पास जो चिकन है, चिकन को इसके अंदर हम डाल रहे हैं। और इसको हाथ से, आप चाहे किसी और से मिक्स कर सकते हैं, मैं तो हाथ से मिक्स करूंगी। हमारे सीजर सैलेड बनके रेडी हो चुका है। कितना बढ़िया इसका टेस्ट है। आप घर में बनाइए, सबको खिलाइए, और हमें किस जगह से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।